हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे स्मूथ शेडिंग ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी मैं इसमें पेंसिल्स या टूल्स काम में लूंगा उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले जनरल्स की 2B चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, उसका पाउडर बनाया मैंने, और मैं राउंड ब्रश से अब बेस लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको क्या है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो शेडो एरिया ज़्यादा है तो आप 6B की भी चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चारकोल पेंसिल कैम्बलिन की भी यूज़ कर सकते हो। मैं जनरल्स की इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये क्या है, थोड़ी स्मूथ होती है और ब्लेंडिंग में काफ़ी ईजी होती है, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स आती है ये। तो आप देख रहे होगे हाईलाइटेड एरिया को मैं एक बार ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मतलब उस पर ज़्यादा मैं प्रेशर से ब्रश को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्के हल्के हाथों से कर रहा हूँ। तो आप देखो, अभी से आप देख रहे होगे कि कैसे आपको एक बेस लेयर में आपको दिखने लग गई होगी, मतलब कैसे स्किन आ रही है, उभर के आ रही है। तो आपको बस ऐसे ही करना है। बेस लेयर में इसीलिए ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ ताकि वो आपको पहले एक आइडिया लग जाए, और क्या है उसे फिर बाद में आप पेंसिल यूज़ करोगे तो उसका एक अलग फ़ायदा मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ पे स्टेडलर की ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। HB भी यूज़ कर सकते हो आप, 2B भी यूज़ कर सकते हो इनिशियली, और फिर बाद में आप हायर ग्रेड में जा सकते हो इसमें। तो आपको क्या है एंगल्स में स्ट्रोक्स लगाने हैं इसमें। एंगल दिख रहा है आपको कि एंगल में, देखो आपको ऐसे आपको दिख रहे होगा टेढ़े स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे एक अलग इफ़ेक्ट आता है आपकी स्किन में, बहुत अच्छी पोर्ट्रेट दिखेगी आपकी। जहाँ पे हाइलाइटेड एरिया है मैं वहाँ पे थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे प्रेशर ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉटन बड का यूज़ करूँगा ब्लेंड करने के लिए पेंसिल को। तो आपको क्या है, कॉटन बड को आप जैसे पेन में, जैसे होती है पेन की रिफिल निकाल के, उसको कॉटन बड को ईजिली आप उसमें लेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है आपके एक अच्छी ग्रिप मिल जाएगी आपको कॉटन बड को ब्लेंड करते टाइम। तो आपको क्या है हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ऐसे डार्कर एरियाज है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है, और हाईलाइटेड एरिया पे कम करना है अप्लाई। अब मैं यहाँ पे टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड एरिया को और ज़्यादा दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे स्टेडलर की ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करूँगा स्मूथ, और ज़्यादा स्मूथनेस लाने के लिए फेस पे। अब देखो मैं यहाँ पे, अब मैंने पहले बेस लेयर ड्रॉ करी जनरल चारकोल पेंसिल से, फिर मैंने स्टेडलर की पेंसिल यूज़ करी, उससे एक टेक्स्चर्ड सरफेस आ गई इसके ऊपर, पोर्ट्रेट के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल होती है स्मूथ, उससे क्या स्मूथ अपीयरेंस आती है ड्राइंग में। तो अब यहाँ पे क्या है आपको एक अलग ही डेप्थ देखने को मिलेगी ड्राइंग में। शुरू में मैं जैसे HB या फिर 2B पेंसिल यूज़ करता हूँ, और उसके बाद मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि डार्कर एरियाज़ है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वो यूज़ करूँगा डार्कर ग्रेड्स पेंसिल्स। और जैसे हेयर हो गए, हेयर स्किन के बाद में बनाता हूँ मैं, क्योंकि हेयर आपको पता है स्किन के ऊपर होते हैं। तो आपको जैसे हल्के एयर में यहाँ पे बना रहा हूँ, और ज़्यादा थोड़ी बहुत डिटेलिंग वो ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया और ज़्यादा है वहाँ पे टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करूँगा। तो आपको क्या ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस में चलोगे ना, तो आपको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपनी पोर्ट्रेट में। और दोस्तों, मैं यहाँ पे अब फ्लैट ब्रश से ग्रेफाइट पेंसिल को ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल इजीली ब्लेंड हो जाती है फ्लैट ब्रश से भी। अब क्या है, मैंने जैसे आपने देखा होगा कि मैंने चारकोल पेंसिल के लिए राउंड ब्रश यूज़ की थी, फिर स्टेडलर के लिए मैंने यूज़ की थी कॉटन बड, और अब मैं जैसे ग्रेफाइट के लिए मैंने यूज़ किया फ्लैट ब्रश। तो आप इन चीज़ों का क्या है आप ध्यान रखना। और जैसे हाईलाइटेड एरिया है मैं वहाँ पर टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ।
आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ड्रॉइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून।